हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टेबल के साथ साथ क्वेरी बनाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में देखेंगे। तो यहाँ पर एक्सेस को ओपन करता हूँ और ओपन करने के लिए हाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 11। तो स्टार्ट बटन यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो शायद यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 को ओपन कर रहा हूँ और इसी पर हम वर्क करेंगे। और यहाँ पर आपको दिखाई देता है ब्लैंक डाटाबेस, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा ब्लैंक डाटाबेस दिखाई देता है। अगर आप कोई और डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कोड। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक नया डेटाबेस आएगा, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पर तो क्लिक करेंगे तो आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो इसके लिए आपको व्यू पे जाना है। दो व्यू मिलते हैं, एक डेटा शीट व्यू, दूसरा डिजाइन व्यू। तो हमें जाना है डिजाइन व्यू पर, और डिजाइन व्यू पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ टेबल वन आता है। अब इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर बैक स्पेस की प्रेस कीजिएगा, ये हट जाएगा, और फिर जो भी इसे नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नाम दिया प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के नाम से टेबल बनेगी। और सिम्बोलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर टी लिख देता हूँ कि ये टेबल है। तो जैसे ही करेंगे तो अब ये इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ पे तीन फील्ड आपको दिख रहे होंगे, पहला फील्ड नेम, दूसरा डेटा टाइप और तीसरा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वो है जिसके बारे में आप लिखेंगे कि इस फील्ड में हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कर देता हूं प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको एक चाबी से दिख रही होगी, इसका मतलब है प्राइमरी की, और प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, यानी इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए ये डेटा टाइप है, ऑटो नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पे तो बहुत सारे डेटा टाइप आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर तो आपने देखा ही, ऑटो नंबर खुद से नंबर जनरेट करेगा, यस और नो डेटा टाइप है, यहाँ पे ओएलई ऑब्जेक्ट है, हाइपर लिंक है, अटैचमेंट है, लुकअप विजर्ड है, बहुत सारे डेटा टाइप आपको मिल जाते हैं, सबके अलग अलग यूज है। फिलहाल हम यहाँ पर ऑटो नंबर ही रखने वाले हैं, और यहाँ पे कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, डैश वाला जो साइन होता है उसी पर अंडरस्कोर भी होता है, तो वो शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो अंडरस्कोर लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप रख लेना है यहाँ से चूज करके, और ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये टेक्स्ट आपको रख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे प्राइस की, तो ये प्राइस लिख लिया। अब एक टेबल भी आप इससे बना पाएंगे, और यहाँ पर करेंसी डेटा टाइप आ जाएगा, और फिर यहाँ पर करेंगे यूनिट या क्वांटिटी, तो ये लिख देता हूँ QTY। QTY का मतलब क्वांटिटी से है, और यहाँ पर हम चूंकि डेसिमल वैल्यू भी एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर डेटा टाइप चूज करूंगा, और यहाँ पर इसे बना दूंगा मैं डबल, तो यहाँ पे डबल बना दिया। और अब यहाँ पर टोटल करना है, तो टोटल यहीं पे होगा, तो यहाँ पे मैं फील्ड का नेम टोटल डाल देता हूँ, और यहाँ पर क्या करेंगे नंबर डेटा टाइप ही रखेंगे। ठीक है, अब समझने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या होगा। डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं कि ये है क्या, इस फील्ड में हो क्या रहा है। तो देखिए ये फील्ड में प्रोडक्ट आईडी को प्राइमरी की बनाया गया है, प्राइमरी की, ठीक है, इसे खाली नहीं छोड़ सकते, नॉट नल लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस फील्ड इज अ प्राइमरी की। ठीक है, यहां पे मैं कर देता हूं दिस फील्ड इज अ प्राइमरी की, नॉट नल, ठीक है, यानी आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट है जिसका डेटा टाइप यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिख ही रहा होगा, और जैसे ही टेक्स्ट दिखता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे करेंसी यानी प्राइस तो करेंसी में ही आएगा, सिंबल के साथ आएगा। ठीक है, तो फील्ड नेम में आप ये दे सकते हैं, और ये प्रिंटिंग में नहीं आता है, जब आप इसे चलाएंगे यानी व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप और यहाँ से यस करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये फायदा है, और ये आपकी टेबल बन गई है, और अब इसमें डेटा एंटर करवा सकते हैं। अगर आपका जो फील्ड है वो इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, पूरा नेम नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से ट्रैक कर लीजिएगा माउस से, तो ये पूरा नेम दिखाई पड़ने लगेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है साइंस बुक की बात है, साइंस बुक, तो साइंस बुक की जो भी प्राइस है वो यहाँ पर आएगी। तो जैसे मान लीजिए साइंस बुक की कीमत है 340 रुपये, तो यहाँ आ गया, अब 40 किताबें साइंस बुक की सेल हो रही हैं, तो ऐसे में टोटल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। फिर इसी तरीके से जब यहाँ पर आते हैं तो देखिए ऑटो नंबर का मतलब यही होता है कि खुद से ये नंबर जनरेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैथ्स लिखते हैं, और मैथ्स की बुक की बात है तो यहाँ पे 560 रुपये दाम है इसका, और यहाँ पर 30 किताबें जो है सेल की गई, तो यहाँ पर टोटल अपने आप नहीं आ रहा है, तो ये टोटल आएगा क्वेरी लिखने से। अब क्वेरी कैसे लिखी जाएगी उसके बारे में बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर भी मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर कंप्यूटर की बुक की प्राइस है 450 रुपये, तो यहाँ पर देखेंगे
तो जितनी भी किताबें हैं आप डाल रहे हैं यहाँ पे टोटल नहीं आ रहा है, तो टोटल को लाने के लिए हमें एक क्वेरी ही बनानी होगी। तो चलिए क्वेरी बना लेते हैं, यहाँ पे इसे सेव करते हैं और क्लोज करते हैं, और क्रिएट पे जा करके, फिर क्वेरी डिजाइन पे जा करके, और फिर इसको यहाँ से जो प्रोडक्ट टी नाम की टेबल है इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये सारे फील्ड एक एक करके लेके आने हैं। जैसे डबल क्लिक करिएगा प्रोडक्ट आईडी पर तो ये आ जाएगा, फिर डबल क्लिक करिएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट पे तो ये आ जाएगा, फिर प्राइस आ जाएगा, फिर क्वांटिटी आ जाएगा, और फिर एट लास्ट टोटल भी आ जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पर आकर के हमें ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। ये टोटल है, यहाँ पे कॉलन लगाइएगा, दो पॉइंट वाला जो आता है ना इसे कॉलन कहते हैं, और यहाँ पर हमको प्राइस को मल्टीप्लाई करना है यूनिट से, तो प्राइस है ही नहीं तो फिर ये कैसे काम करेगा। तो क्यूटीवाई जैसे ही देंगे तो ये काम करने लगेगा और आपका टोटल भी होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल भी कैलकुलेट होकर आ रहा है, देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि क्वेरी क्या होती है, इसे क्वेरी कहते हैं, और टेबल आपने देखा कि टेबल कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसे सेव कर सकते हैं इस क्वेरी को यहाँ पर जाकर के, और एक्सेस क्यू नाम से सेव करता हूँ, एक्सेस क्यू क्वेरी, ठीक है। तो ये सेव कर दिया, तो एक तो टेबल हो गई, ये आपकी टेबल है और ये आपका क्वेरी है। तो क्वेरी बनाएंगे तो आप कैलकुलेट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।